चीज को लेकर आप लोग ये जल प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की मुख्य मांग है हमारे किसान मित्रों को बाल किया जाए और जो बकाया मानदेय वो दिया जाए। तो पट्टिया आएगा। सन 1998 में भाजपा सरकार ने हम लोगों को योजना बनाई थी, चालू करी थी। इसके बाद बसपा शासन ने 2008 से शुरू करी और 31 मार्च 2010 में बंद कर दी, स्थगित कर दी, स्थगित कर दी, बंद नहीं। तो हम लोग मुख्य मांग है हमारे किसान मित्रों की योजना बहाल की जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कब तक आपका ये जलाधार चलेगा? जब तक हमारे किसान मित्रों की मांग मुख्य मांग बहाल नहीं हम लोग होंगे तब तक हम लोग ऐसे प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते। अभी में जब चुनाव हुआ था विधानसभा उत्तर प्रदेश का, तब भदोही के सांसद जो वो किसान मोर्चा के वीरेंद्र सिंह मस्त अध्यक्ष है पूरे प्रदेश के, उन्होंने बात कही थी 52,000 किसानों से अपने लखनऊ में कि आप सब लोग हमारे सरकार के लिए एक मत हो करके और वोट दें और हमारी मदद करें, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत पे बनेगी, हम सबको बहाल करेंगे। उनके आवास का भी इस महीने के अंत तक घिराव करेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि आपने जिस मुंह से वायदा किया उसको पूरा करिए, नहीं यही प्रदेश के 52,000 किसान तुम्हें 2019 की मुहिम पूरा नहीं होने देंगे। आपका जल आंदोलन कब तक चलेगा? जल आंदोलन आज सांकेतिक रूप में 3 बजे तक चलेगा, ये सुबह 11 बजे शुरू है। अगर उसके बाद हमारा चरणबद्ध तरीके से पूरी यूपी में सभी साथियों को सूचना दे दी गई, यूपी में 52,000 किसान मित्र हैं। ये योजना जब माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे 1998 में भाजपा की सरकार थी यूपी में, तब चालू की गई थी, लगातार चलती रही। 2008 में हम लोगों को नियमित तरीके से प्रतिमाह 1,000 रुपया महीना मानदेय और 220 रुपया प्रतिमाह, हाँ यात्रा भत्ता, यानी 1,220 रुपया कुल प्रतिमाह खाते में भेजा जाता रहा। 2008 में मायावती ने चालू करे, फिर 2010 में माननीय मायावती जी ने कह करके इस योजना को स्थगित कर दिया कि मेरे पास बजट का अभाव है। ये योजना स्थगित है, बंद नहीं है। और सबसे दुखद बात है कि भाजपा के शासन में 1998 में शुरू हुई थी और भाजपा का शासन है, उनको इसको स्थगित जो है उसको बहाल करना चाहिए, इसीलिए हम जल आंदोलन कर रहे हैं। अगले चरण में हम पूरी यूपी में बस जो सरकारी बस अड्डे हैं उनका जाम करेंगे, संबंधित अधिकारियों का घेराव करेंगे, रेल रोकेंगे। ये योजना तब तक चलाएंगे जब तक कि 2019 की अधिघोषणा जारी नहीं हो जाती है, उन्हें याद दिलाएंगे कि क्या आप वास्तव में किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। 1,220 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ने शिक्षा मित्रों की मांगे तुरंत तो खारिज की और इसके बाद अब चरणबद्ध तरीके से उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनकी परीक्षाएं हो रही, कैंसिल नहीं की गई, उनको बहाल किया, काउंसलिंग हो रही है। तो इसी तरीके से अब वो कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं, वास्तव में वो किसान के हितैषी हैं, तो इस योजना को जो स्थगित है तो उसको बहाल कर दिया जाना चाहिए। 80% जनता का किसान है।